और उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक कार्यक्रम में पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर जमीन में धक्का मारते हुए नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के धक्का प्लेट हेलीकॉप्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सोमवार को बीजेपी ने रुद्रपुर में युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हुए थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरकर गार्ड ऑफ ऑनर लेने पहुंचे थे और इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने हेलीकॉप्टर के धक्के लगाने की वीडियो भी बना ली, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, बीते दिनों जब माननीय सीएम साहब का प्रोग्राम था, जो लैंडिंग होने के तुरंत पश्चात जहाँ पर सीएम साहब और सभी पूरी टीम अलाइटमेंट हो गया था तो और फ्लीट में बैठ गए थे, उस समय लैंडिंग के बाद पायलट ने खुद निर्देश देकर आसपास के जो गार्ड होती है हेलीकॉप्टर सुरक्षा गार्ड और कुछ पुलिस कर्मचारियों को बुला के थोड़ा हैच की बिल्कुल सेंटर में लाने के उद्देश्य से उन्होंने उसको 5 फीट पीछे करवाया। पायलट के ही निर्देश पे और उनकी निशानदेही पे उन्होंने बताया कि इसको 5 फीट पीछे कर दीजिए ताकि मेरे को टेक ऑफ के लिए बिल्कुल हैच के सेंटर से करूँगा करके। तो इतने से उनके निर्देश पे जो है टीम द्वारा उसको पीछे कर दिया गया है पायलट के ही कुशल नेतृत्व में। तो यही घटना है। इसे कुछ लोगों द्वारा भ्रामक और झूठे तथ्यों को बोलते हुए विभिन्न प्रकार के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं बिना तथ्यों का, तथ्य के भरे हुए। तो इसलिए मैं हम ये जो है इस प्रकार की क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। तो इसमें पायलट के निर्देश पर हुआ है, वो भी हेच के बिल्कुल सेंटर में पार्किंग करने के उद्देश्य से ऐसा हुआ है।